सो गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरमान। वेलकम बैक टू माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आई हैव कम बैक विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू टॉपिक। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हमारा नया टॉपिक चलने वाला है, जो कि है टेंसेस का फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। गाइस, इफ यू हैव डोंट वॉच माय वीडियो ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, जस्ट वॉच, बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट इन दिस वीडियो। यू कैन नॉट मेक टेंसेस विदाउट नोइंग द सिंगुलर एंड प्लूरल। सो गाइस, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सिंगुलर और प्लूरल वाली वीडियो देख सकते हो, बिकॉज उसके बिना आप टेंसेस को अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर पाओगे। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। मेनली फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस क्या है, यानी भविष्य में जो साधारण वाक्य होते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज आवर। गाइस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के अंदर, यानी जो भविष्य साधारण वाक्य है, उसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। एक होता है शैल और दूसरा होता है विल। सबसे पहले हम शैल का यूज़ देखेंगे। तो गाइस, हमें शैल का यूज़ करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम शैल का यूज़ किस में करते हैं, किसके साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं ओनली। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, आई और वी होता है। गाइस, अब हम रूल की तरफ बढ़ते हैं कि रूल क्या होता है इसे बनाने का। सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन वी ऐड ऑब्जेक्ट। सो गाइस, अब इससे रिलेटेड और इसी थ्रू हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। गाइज, आई कैन राइट हेयर, आई शैल कम टू स्कूल ऑन टाइम। आई शैल कम टू स्कूल ऑन टाइम, यानी यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मैं स्कूल समय पर आऊँगा। आई शैल कम, COM, कम टू स्कूल ऑन टाइम, मैं समय पर स्कूल आऊँगा। गाइज, इसी तरह हम वी का भी बना सकते हैं। वी शैल गो टू पार्क इन मॉर्निंग। अब गाइज, इसका क्या मतलब है, वी शैल गो टू पार्क इन मॉर्निंग, यानी हम सुबह मॉर्निंग में पार्क जाएंगे। गाइज, इससे आप नेगेटिव सेंटेंस भी इसी तरह बना सकते हो। लाइक, अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसी का, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट हेयर, आई शैल नॉट। यहाँ पर हम नॉट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर बीच में, यानी हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इन दोनों के बीच में हमारा नॉट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आई शैल नॉट गो टू पार्क इन मॉर्निंग, यानी हम पार्क सुबह नहीं जाएंगे। वी शैल नॉट गो टू पार्क इन मॉर्निंग। गाइज, इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, उसमें आप लोग क्या करोगे, लाइक मैं इसका आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल है वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। जैसे शैल आई कम टू स्कूल ऑन टाइम, यानी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, शैल आई कम टू स्कूल ऑन टाइम, कि मैं स्कूल समय पर आऊँगा, क्या मैं स्कूल समय पर आऊँगा। सो गाइज, यहाँ तक आप लोगों को जो हमारा शैल का यूज़ है वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और इसके इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव किस तरीके से हम बनाते हैं। गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब विल की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आप लोग ये समझने की कोशिश करो कि विल जो है वो अदर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सेकेंड पर्सन वाले हो जाए, अब हम बढ़ते हैं अपने
न्यू हेल्पिंग वर्ब की तरफ, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब की तरफ जो कि है विल। गाइज आप लोग समझने की कोशिश करो जो विल है, विल हम कहाँ पर किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर प्लूरल में जितने आते हैं उन सभी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स में कौन कौन आते हैं, हमारा यहाँ पर आता है यू ही शी इट एक्सेट्रा, यानी जितने भी हैं आई और वी को छोड़कर वो सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। सो गाइज अब हम इसके रूल को देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, सेम टू सेम है, यहाँ पर बस आपको ये समझना होता है कि आप किसके साथ क्या यूज़ करोगे, किस सब्जेक्ट के साथ आपको विल का यूज़ करना है, शैल का यूज़ करना है, और बाकी दोनों में सेम ही है, बस उसकी जगह यहाँ पर शैल की जगह विल आ जाता है। सब्जेक्ट हम रख लेते हैं लाइक यू, यहाँ पर विल, यू विल वॉश जो कि है हमारा वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस यू विल वॉश योर क्लॉथ्स टुमोरो। यानी यहाँ पर ये सेंटेंस क्या कह रहा है, यू विल वॉश योर क्लॉथ्स टुमोरो, यानी कि तुम अपने कपड़े, यू विल वॉश योर क्लॉथ्स टुमोरो, तुम अपने कपड़े कल धुलोगे। यहाँ पर विल आ गया शैल की जगह, बस वही चीज़ है। उसके बाद हम एक सेंटेंस बना लेते हैं ही का, ही विल गो टू ऑफिस ऑन मंडे। इट मीन्स ये क्या कह रहा है सेंटेंस, ही विल गो टू ऑफिस ऑन मंडे, यानी कि वह, ही लगा है यहाँ पर किसी लड़के के लिए, बॉय के लिए, यानी कि वह ऑफिस मंडे को जाएगा। गाइज अगर आप लोगों को इसी से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, आप लोग को करना कुछ नहीं है, विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, लाइक ही विल नॉट गो टू ऑफिस ऑन मंडे। एज इट इज सेम ही है। अगर आप लोगों को इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वो भी इसी तरीके से होगा, बस उसमें वही चीज़ है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। लाइक अगर मैंने इसका बनाया विल यू वॉश योर क्लॉथ्स टुमोरो। सो गाइज इसमें क्या हो गया, विल यू वॉश योर क्लॉथ्स टुमोरो, क्या तुम अपने कपड़े कल धोलोगे, विल यू वॉश योर क्लॉथ्स टुमोरो। यहाँ पर विल जो है सब्जेक्ट से पहले आ गया और सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आ गया। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि हम फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस किसे कहते हैं एंड इससे अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनाते हैं। सो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से डाउट क्लियर किया। सो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो टेक केयर एंड बाय बाय।